भाई अरे इंडिया आने दो। हाँ कंडक्ट ट्राई भी कर लिया यहाँ पे। श्रीलंका के किसानों से डायरेक्ट बात हो रही है भाई। कितनी लंबी है भाई, यहाँ से लेकर 4 फुट तक काकड़ी है। वो नाम नो गोल्ड, नो गोल्ड, नो गोल्ड। आपको हिंदी आती है? हाँ। तो ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है? देखो BMW गाड़ी लेकर के इधर कोई सेठिया आया है क्या? आई एम इंडिया। यू इंडिया? वेयर? यार केरला सिटी। केरला? तो इधर कितना सैलरी मिलता है? 3500। हेलो, श्रीलंका डाम्बुला से आपका स्वागत है दोस्तों। फिलहाल श्रीलंका की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट, पूरे श्रीलंका में एक ही जगह से सब्जी सप्लाई होता है, वो होता है डाम्बुला से। तो डाम्बुला में है श्रीलंका की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पे बेचने वाले भी आते हैं और लेने वाले भी आते हैं। तो दोनों, हेलो, वेजिटेबल मार्केट, तो दोनों एक ही जगह पे, दोनों चीज़ें जहाँ पे होती है उस जगह पे हम जा रहे हैं। और ये बस डिपो है, इससे जस्ट 200 मीटर आगे की तरफ है। तो आज आपको पूरी मार्केट दिखाते हैं कि किस तरह से श्रीलंका के लोग होते हैं, किस तरह की सब्जियाँ होती है, किस तरह लेके आते हैं, कौन सा गाड़ियाँ होती है और किस तरह वापस बेचते हैं। तो अभी हमने टोपी रख दिया है ऑलरेडी, क्योंकि हमने बढ़िया सेटिंग हो गया बाल वाल श्रीलंका में पहली बार। पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। अभी हम चल रहे हैं इस तरफ, इधर एक बड़ा टेम्पल भी है और इस तरफ पीछे की तरफ स्टेडियम भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं श्रीलंका की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट देखने के लिए। काफ़ी बड़ी है भाई साहब, कल रात को हम आते हुए देख रहे थे, बहुत ज़बरदस्त थी। होटल वाले की मेहरबानी है कि हमारी बैग वैग वहाँ रखने दिया है ऑलरेडी फ्री में। तो इंडिया की तरह यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और श्रीलंका में, इस डाम्बुला में, आपको पता है एक और चीज़ है जो मैं आपको खास बताना चाहता हूँ, राशन वगैरह की दुकानें भी, बड़े बड़े स्टोर यहीं पे, यहीं से सब जगह पे सप्लाई होता है। और यहाँ पे एक कार गैराज है देखो, जहाँ पे कार रिपेयरिंग वगैरह मॉडिफाई करना हो तो वो सब भी यहाँ पे होता है। और ये सिंगर जो ब्रांड है, ये यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, फाइनेंस हो, चाहे मॉल हो, चाहे गाड़ियाँ हो, एसी वगैरह, सब कुछ सिंगर की। ये देखो यहाँ पे बड़ा सा एक स्टोर है जिसमें हम रात को देखने गए थे, तो यहाँ से भी मतलब होलसेल माल सप्लाई होता है। तो श्रीलंका भी सिमिलर इंडिया, लेकिन यहाँ के लोगों को मॉडिफाई कारें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो कारों को जैसे हवाई जहाज जैसा बना दिया है। और ये देखो छोटा हाथी, ये अल्टो, ये टोयोटा की गाड़ियाँ, ये मारुति वैगन आर है, थोड़ा अलग टाइप से है, इंडिया में ऐसी नहीं होती है, थोड़ी अलग टाइप से होती है। तो अभी हम चलते हैं सीधा आगे। और यहाँ पे हर जगह पे लॉटरी का धंधा चलता है, लॉटरी बहुत ज़्यादा लोग लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं। हीरो होंडा की हीरो, ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन है। अब यहाँ सामने जो पेड़ दिख रहे हैं उसके पीछे की तरफ मार्केट है वेजिटेबल की, बहुत बड़ी मार्केट है भाई श्रीलंका की। तो अभी चलेंगे वहाँ पे, देखते हैं। ये देखो सब्जी फ्रूट का गोडाउन है, मतलब ऑनलाइन देखो, हॉटलाइन ऑनलाइन लिखा है। यहाँ पे पानी चल रहा है, नदी नाला। और ये है डोसा परोठा खाते, जहाँ पे हम लोग वेजिटेरियन है ओनली। तो अभी इधर भी जाएंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं, खाना हमने ऑलरेडी रात को यहीं खाया था। हेलो, बाद आई लेटर। ये देखो भाई मार्केट, ये है मार्केट, बहुत बढ़िया तरीके से सजा के रखते हैं। इतने सारे वैरायटी होती है ना यहाँ पे, केला है, कोई पता नहीं सेव। और ये है काफ़ी महंगे यहाँ पे, श्रीलंकन करेंसी के हिसाब से काफ़ी महंगे है, लेकिन इंडियन के हिसाब से भी थोड़े ज़्यादा रेट डिफरेंट है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। ये तो खाली बाहर की मार्केट है, अभी तो हम चलेंगे बड़ी वाली मार्केट में। ये तो सिर्फ जैसे अपने वहाँ होती वैसी मार्केट है, लेकिन बड़ी मार्केट देखते हैं वो कैसी मार्केट होती है।
ये डांबुला का मेन चौराया इधर है, थोड़ा आगे 1 किलोमीटर। ये वाली रोड कैंडी जाती है, इसके बगल में एक रोड है उस तरफ, वो जाती है कोलंबो। ये बर्तन की दुकान है, देगड़ी देगड़ा बाल्टी। ये यहाँ की लग्जरी बस है, प्रीमियम सबसे बड़ी बस है। फर्नीचर की दुकान है, पिकअप बोलेरो, ऐसा कलर इंडिया में तो नहीं होता है। मिल्क चिलिंग सेंटर, या गर्मी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, मुझे तो इंडिया जितनी लग रही है, लेकिन यहाँ के लोग तो छतरियाँ ले लेके घूमते हैं। हेलमेट दोनों लोग लगाना जरूरी है। यहाँ पे कुछ कर रहे हैं कामकाज। ये अंकल जी आइसक्रीम बेच रहे हैं, इंडिया में हॉर्न बजाते वैसा ही हॉर्न है, टेक टेक। देखो अभी सुनेगा। येरी मार्केट, इसका एंट्री गेट उधर भी है इधर भी है, 3-4 गेट हैं। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और इस मार्केट को देखते हैं। ये सब लोग सब्जियां लेने बेचने आए हुए हैं। देखो ये सामने पहाड़ी है, उधर गुफा भी है। ये देखो ट्रक भर भर के आ रहे। ये क्या है भाई, तरबूजा है। आगे हैं वह श्रीलंका की बिगेस्ट मार्केट, यहाँ पे तरबूजे हैं, केले हैं, बहुत ज़्यादा सामान बिखरा है यहाँ पे। देखो गाड़ियों की तो लाइनें लगी हुई है, छोटे छोटे गाड़ी। टमाटर, यहाँ पे एक चीज़ है वो अजीब लग रही है मुझे, जो इंडिया में होती है लेकिन छोटे साइज की होती है। ये देखो भाई भिंडी, ये देखो कोल्ड स्टोरेज है, इसमें भी सब्जी भरेंगे। ये क्या सकरिया, दो कलर का, रेड एंड अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट। यू सेल और बाय? स्वीट पोटैटो। हाँ स्वीट पोटैटो। यू बाय फ्रॉम हियर? प्राइस? प्राइस 1000? 1000 किलो? 50 किलो, ओके। वन पीस? वन पीस 100? नो वन पीस। हाँ स्मॉल साइज का ले लेते हैं, ओके थैंक यू। तो भाई एक सकरिया हमने लिया है और टेस्ट करते हैं इसको। योर विलेज? विलेज कालुंदा। हाउ किलोमीटर? 80 किलोमीटर टू सेल हेयर। 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पे बेचने आए हैं गोभी, स्वीट पोटैटो यानी कि सकरिया। थैंक यू। केला, कच्चा केला। ये गाड़ी है, ट्रैक्टर। इनके क्या? पम्पकिन। हाँ आने दो। हाँ कंडक्ट ड्राइव भी कर लिया यहाँ पे, ओके। श्रीलंका के किसानों से डायरेक्ट बात हो रही है भाई। टमाटर, हाँ ये चीज मैं दिखाना चाहता था, ये वाले कितनी लंबी है भाई, यहाँ से लेकर 4 फुट तक
काकड़ी है इसको, शायद काकड़ी हो सकती है मेरे हिसाब से, ऐसी लग तो रही काकड़ी की शक्ल, लेकिन कुछ और भी हो सकता, छोटा हाथी, मेड इन इंडिया, इसुजी जापान, ये चीज क्या है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चीज है, कुछ नया वेराइटी, वो नाम नाम नो कोल्ड नो गोल्ड नो कोल्ड वेजिटेबल ओ मैं आई हूँ ना ओके नो गोल्ड मूला सब्जी टाइप है के नो गोल्ड नो कोल्ड यू सेल हियर ओके योर विलेज किलोमीटर हाउ किलोमीटर गले वाले किलोमीटर गले नहीं ले लो तुम्हें गले वाले किलोमीटर क्या थे पहाड़ों 50 ओके भाई पाकिस्तान अरे इंडिया आपको हिंदी आती है आ, तो ये क्या चीज है इसका नाम क्या है इसका नो गोल ये क्या होता है गोभी है क्या ये अच्छा तो आपको हिंदी कैसे आती है दो अरब कंट्री में काम किया है थोड़ा थोड़ा ओके आपका नाम रवि आपका निहाल आपको हिंदी आती है नहीं आती है इनको आती है थोड़ा थोड़ा तो ये बेचने आए हैं सेल प्राइस 70 किलो किलो प्राइस 1 किलो 70 श्रीलंकन इंडिया 15 रुपीज इंडियन 50 रुपीज 15 रुपये किलो ये बेच रहे हैं इधर मार्केट में होलसेल ये बिगेस्ट मार्केट इन श्रीलंका ओके भाई साहब इधर किसी किसी को तो हिंदी भी आती है थोड़ा थोड़ा और ये शायद तरबूज जैसा ही कुछ लग रहा है अब है क्या मुझे नहीं पता दिस नेम इकरी इकरी स्वीट 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 आइटम ओके आप अभी तरबूज ने कहेगा ओके सर पता नहीं भाई आइटम का नाम समझ में नहीं आ रहा यहाँ अदरक है टमाटर है ये अपने प्याज है प्याज का प्राइस आलू पोटैटो ब्रो पोटैटो प्राइस प्राइस किलो 300 किलो 100 किलो 30 किलो श्रीलंकन आई थिंक 40 रुपये किलो सेम प्राइस इंडिया 40 रुपया बोलते हैं महंगाई है ये नारियल सेम प्राइस है भाई इंडिया का यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पम्पकिन वगैरह है हेलो दादा ये पता नहीं तरबूज जैसा ही कुछ लग रहा है ना ना तरबूज तो कौन है अरे यार हमें क्या पता अभी चलते हैं दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में ये बी कॉम्प्लेक्स है वो वाला ए कॉम्प्लेक्स है ये लॉटरी सेलर इधर घूम रहे साइकिल लेके सब इंडिया का है कैंपर बोलेरो छोटा हाथी बोलेरो कैंपर इंडियन हाँ आई एम इंडियन योर पिकअप दिस इज योर पिकअप गाड़ी इंग्लिश हाँ ओके भाई सब इंडियन गाड़ियाँ ही मौज कर रही है इधर तो महिंद्रा मैक्सिको मैक्सिमो कुछ गाड़ियाँ हैं जो जापानीज है इसुजी है टोयोटा वगैरह बाकी लगभग इंडियन गाड़ियाँ हैं अब चलते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में और देखते हैं कि और क्या मिलता है ये पूरा मैदान है पार्किंग के लिए गाड़ी खाली करने के बाद हिसाब किताब होता होगा शायद कुछ ऐसा ही है इस साइड चलते हैं ओह तीन कॉम्प्लेक्स है एक और है उसके बाद और है और पूरी मार्केट देखो कवर किया हुआ है सेट बनाया हुआ है इधर खुली मंडी सब्जी मंडी बोल सकते हैं इसको और ये देखो BMW गाड़ी लेकर के इधर कोई सेठिया आया है क्या हाँ तो ये तो बाहर निकल जाए ना लॉटरी
छोटे छोटे प्याज गोभी प्राइस प्राइस हाँ नो इंग्लिश नो इंग्लिश डबल फाइव किलो ओके गाजर चलो छोटे छोटे गाजर बड़ी बड़ी गाजर ये देखो माल एक्सपोर्ट होता होगा यहाँ इसमें डाल डाल के ले जा रहे हैं सब इसमें भर रहे हैं ओल्ड गाड़ी तो ये होगी श्रीलंका की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट जिसके अंदर हम घूम रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की सब्जियां यहाँ पे मिलती है बहुत ज़्यादा हलचल है और अलग अलग आइटम है कुछ चीज़ें तो इंडिया में जो मिलती नहीं वो चीज़ें यहाँ पे मिलती है ये देखो बड़े बड़े गोडाउन है पिकअप मित्सुबिशी किधर मिर्च है हरी मिर्च है वाइट कलर की मिर्च ये देखो भाई चिली है वो वाइट कलर की यहाँ पे ना ना जस्ट चेक हाँ ये देखो भाई अदरक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ यहाँ पे मिल जाती है हो गया काम देखते हुए चलते हैं हेलो हाउ आर यू फाइन वेयर आर यू फ्रॉम फ्रॉम इंडिया आई एम इंडिया हाँ इंडिया यू इंडिया वेयर वेयर केरला सिटी केरला हाँ अभी केरला जाके आया मैं त्रिवेंद्रम तुम्हारे इधर से आया हम आया था अभी तो इधर ही सिटी में इधर घुमाता है गोल एंड नोरा इलिया इला कैंडी तुम हिंदी है हाँ तुम्हारा सिटी मेरा राजस्थान है वो चेन्नई से है चेन्नई से हाँ मैं अभी केरला से जाके आया त्रिवेंद्रम फिर उधर कालीकट 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 तो इधर काम करते हैं हम श्रीलंका में कतर में 6 साल काम किया कतर में हिंदी मालूम किया हाँ हिंदी बराबर मालूम हाँ ज़्यादा मालूम नहीं है हाँ थोड़ा मालूम नहीं तो आप इंडियन नहीं है श्रीलंकन है श्रीलंका है अच्छा अभी बोला ना केरला केरला में हमारा पास में काम किया बहुत केरला आदमी नेपाल अच्छा अच्छा इंडिया वाले वहाँ पे काम किया तभी आपको हिंदी आती है हिंदी हाँ तो अभी आपका गाँव किधर है अभी इधर काम गाँव विलेज विलेज डम्बुला सिटी विलेज और इधर काम करते हैं ओके तो दुबई में उधर कतर में ज़्यादा पैसा मिलता था इधर ज़्यादा उधर शेख तमीन गया उसमें काम किया हाँ शेख तमीन प्रेसिडेंट हाँ इसका 6 साल में काम किया अच्छा जैसे इधर आए तो इधर मार्केट बहुत बढ़िया यार हमारा दो बच्चा है हाँ रखने के लिए इधर घूमता है इतने काम करेगा हाँ सही है तो ये 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 सब सब्जियाँ तो इंडिया में आधी तो मिलती नहीं है ये कुछ अलग अलग है नाम बताओगे क्या नाम है इसका क्या नाम है इसका श्रीलंका में बोलता है बूंच इंग्लिश में बीज 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 बहुत बड़ा मार्केट है ये श्रीलंका का श्रीलंका सबसे बड़ा साथ में आया पहले उसका राजस्थान में बहुत बात किया हमारा का हाँ एक घंटा में बहुत बात किया अच्छा आदमी आपका नाम क्या है मेरा नाम कालू कालू ओ श्रीलंकन नाम है कालू भाई तो अभी आप ये गाड़ी खाली कर रहे हैं तीन चार पाँच सात प्याली सात प्याली ओ 50 प्याली ले दिया अच्छा हाँ मजा आ गया आपके अब मैंने सोचा चलो मार्केट देखते हैं आपकी 15 साल ओके तो इधर कितना सैलरी मिलता है इधर 3,500 पर डे 4,000 मिलता है डेली डेली
हाँ भाई, तो 4000 यानी कि 1000 इंडियन। 1000 इंडियन सही है, अच्छा है, सही है, अच्छा है। हाँ कि आपका श्रीलंका का हो गया 4 तरीका 1,20,000 मंथली। हाँ फिर सही है, तो फिर दूर कतर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, इधर काम करेगा बैठेगा, शाम को घर जाता है। जरा बहुत आदमी के थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम। हाँ अभी वो पीछे भी बोल रहा था हिंदी। ओके इसका हिंदी मालूम है, इसका हिंदी मालूम। अच्छा आपको हिंदी आती सर? तो हिंदी थोड़ा 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 नाती पहले बेटा पटार में मुदीर इधर दम्बुल। ओके कालू भाई, ओके ओके थैंक यू। ओके सर बाय। हाँ भाई हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा, मार्केट में काफ़ी सारे लोग हैं जो दुबई कतर में काम किया और हिंदी आती है। हेलो सर, और अलग अलग प्रकार की सब्जी हम इनके लिए यहाँ पे मतलब एक अलग तरह का वो हो गया, सब हमारे सामने देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। हेलो, कोई चिल्ला रहा है कोई कुछ कर रहा है, लेकिन लोग अच्छे हैं कुल मिला के। लहसुन है यहाँ पे, गोभी, मज़ा आ गया यार। यहाँ के लोगों का जो रिएक्शन है, ये यार छोटे वाले प्याज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस प्याज से सब्जी बनाते कैसे होंगे, डायरेक्ट सब्जी में डालते हैं क्या? ये भी कोई प्याज है यार, इसको यूज कैसे करते, इतना छोटा प्याज है। ये देखो ग्रीन चिल्ली, ये देखो बड़े प्याज भी है छोटे भी है, लेकिन छोटे इस्तेमाल कैसे करते वो मुझे पता नहीं है। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट कोलंबो से 150 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका के बीचों बीच है, मतलब आप 150 किलोमीटर चारों साइड से भी आओगे तो आपको मिल जाएगा। ये तरबूज है यहाँ पे देखो, खाते हैं? हेलो सर, प्राइस प्राइस नो इंग्लिश? ओके खानो है ले मैडम अंद आओ को प्राइस। ये चप्पलों से सीट काट काट के इधर रख दिया ताकि तरबूज खराब ना हो। ओके मज़ा आ गया श्रीलंका की मार्केट में घूम करके, आपने देख लिया होगा कि किस तरह से लोग यहाँ पे प्यारे प्यारे हैं। अभी हम चलते हैं इस तरफ, फिर सीधा आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे सिक्योरिटी टिकट वगैरह लेते होंगे, तो अभी हम चलते हैं इस तरफ आगे, उस तीसरे वाले गेट से बाहर निकलेंगे। लेकिन जाते जाते आपको सब कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ABCDEF, मतलब दोनों साइड दुकान है, इसलिए तीन कॉम्प्लेक्स में छः लेन होगी दुकानों की। इतने सारे गाड़ी भाई, टाटा महिंद्रा महिंद्रा, ये वाली टोयोटा कार है देखो। ओके भाई मार्केट टूर अब ख़त्म होता है, हम गेट से बाहर निकल रहे हैं, हमको किसी ने रोका नहीं। और लो भाई साहब क्या कर रहे हो, पान खाए थे यहाँ, इधर पान भी मिलता है देखो, ये देखो पान भी मिल जाता है, पर इधर पान खाने का तरीका अलग है, पूरा बंडल बना के मिलता है, साथ में चूना मिल जाता है, फिर इसको रगड़ रगड़ के खाओ। चलो बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियोज़ में, इस वीडियो को एंड करते, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया भाई।